राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बैठे थे दोपहर में, तो नीचे गली में आए हुए थे भैया रजाई कवर और सोफा कवर वाले, तो बाहर से गली में आवाज़ दे रहे थे। तो रजाई के गद्दे के कवर तो हमें भी लेने ही थे, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया भैया से गद्दे कवर दिखाने के लिए। तो भैया एक के बाद एक फेंके जा रहे थे ऊपर को, कह रहे थे ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो। फिर हमने गद्दे के कवर तो ले ही लिए थे भैया से, तो हमने फिर कहने लगे सोफ़ा के कवर ले लूँ। हमने कहा हम ऐसे एक एक करके ऊपर से कहाँ देखें, तो आप ना आगे से आ जाओ। तो भैया आप आगे से आएंगे तो हम आगे से ही देखेंगे अभी थोड़ी देर में। दिखाइयो माही जो हमने वो लिया बैठ गया। ये लिया देख के आते हैं कैसा है आज की हमारी शॉपिंग। ये ना हमारे गद्दे के कवर, दो गद्दों के कवर है ना, और ये सोफा कवर दिखाओ कैसे है। ये है अभी ये नहीं ले रहे हम, नहीं ये वाले नहीं लेंगे मम्मी, अच्छे दूसरा लेंगे। ये देखो आगे से आ रहा है वो, ये तो डन हो गई ना। हाँ डन है, और ये भी डन है। दिखाइयो बस, अब वो सोफा की कवर दिखाती है। सोफा कवर दी, ये टेबल के लिए हमारी टेबल कवर है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने पसंद। और अभी हम सोफे के कवर भी देख रहे हैं, देखो शायद से नीचे आ गए हैं भैया। अब भैया आए आगे की साइड से, अभी वो बैक साइड से थे ना तो समझ नहीं आ रहा था। अब भैया दिखाएंगे हमें आगे की साइड से। मौसम कितना ख़राब हो गया ना, गंदा सा। सुबह इतनी तेज़ धूप आई हुई थी और अभी देखो ऐसा लग रहा है बारिश होने ही वाली है। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? मैं दूध लेने। बाय। अभी इतनी रात को मैं जा रही हूँ दूध लेने, रात तो खैर क्या और की है, 6 या 7 बजे होंगे, 7 बजे का टाइम है। और क्योंकि आज हमारा सुबह मॉर्निंग में दूध नहीं आया था, तो मैं अभी जा रही दूध लेने के लिए। रात के लिए सब्जी रेडी हो चुकी है,
काट के रख दी है, बस अब बनानी बाकी है। इसमें सारी सब्जियां मिक्स हैं और दाने अच्छे लगते हैं ना इसके, बीन्स के देखिए कैसे दाने होते हैं। और फूल गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, मूली, आलू, बहुत सारी सब्जियां हैं जो मिक्स करके काट दी हैं और इनको बनाऊंगी। और वैसे मिक्स वेज खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। आज तो वैसे भी माई के पापा लेट आएंगे क्योंकि क्लोजिंग का दिन है। सब्जियाँ पक गई है तो मैंने गैस तो बंद कर दी है। अभी मैंने ये लोहे की कढ़ाई में बनाई है ना, तो थोड़ी देर बाद ना अगर लोहे की कढ़ाई में सब्जी बन करके रख दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो काली काली सी हो जाती है। तो मैं इसको तुरंत ही बंद करने के बाद डोंगे में पलट दूँगी। देखिए सब्जी मैंने पूरी डोंगे में शिफ्ट कर दी है, इसको ढक्का लगा दूँगी। और आटा भी लग चुका है, आटा तैयार है। बस अब जब खाएंगे ना हम खाना रात का, तभी रोटी बनाऊंगी। रोटी मैं गरम गरम ही सेकती हूँ, गरम गरम खाते। और आजकल ना मुझे जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है और उससे ना बोला भी नहीं जा रहा जुकाम से, बीच बीच में सूं सूं की आवाज़ आ रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या कर रही, बार बार सूं सूं। और अभी मैं पूरा किचन क्लीन करके उधर कमरे में चली जाऊंगी, जरा देखती हूँ बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे तो बच्चों को देखूंगी।
अभी थोड़ा सा नीलाक्ष को तो काम कराना पड़ता है थोड़ा सा, माही तो खुद ही कर लेती है, और नीलाक्ष को देखती उसने अपना होमवर्क वगैरह किया या नहीं किया। माही बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, बच्चों को खिला दूँगी, बच्चे जल्दी खा पी करके सो जाएंगे, सुबह स्कूल जाना होता है, और जब माही के पापा आएंगे तो उनके लिए बना दूँगी रोटी, और आटा मैंने उनके लिए बचा दिया है। तो अभी बज रहे हैं 10 बजे में 10 मिनट होंगे और पापा आ चुके हैं, और अभी पापा मम्मी खा रहे हैं खाना, हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया था, और अभी हम लोग देख रहे थे टीवी, और आज के लोग मैं यही एंड कर देती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।